स्वागत है आपके अपने यूपी लाइव 100 न्यूज पर। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों से। एक अनोखी शादी देखने को मिला है, दूल्हा योगी के दहेज में मिला बुलडोजर, बोला ससुर ने दिया सरप्राइज गिफ्ट, मैं पहले दिन ही मिला काम। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में दहेज का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां लड़की की पिता ने होने वाले दामाद को दहेज में बुलडोजर ही दे दिया और साथ में बेटी को एक नसीहत भी दी कि हमीरपुर जिले में एक अनोखी शादी हुई जिसमें दूल्हा बने योगी को दहेज में बुलडोजर मिला है। दूल्हे का दहेज में बुलडोजर के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिले में किसी को दहेज में बुलडोजर नहीं दिया गया है आज तक। विधानसभा चुनाव में यूपी के बुलडोजर की खूब चर्चा पूरे देश में हुई थी। बुलडोजर का क्रेज बढ़ता जा रहा है। इसी बीच जिले में एक शादी में दहेज में बुलडोजर मिलने का चर्चा सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। ये विकासखंड सुमेरपुर ग्राम देवगांव निवासी रिटायर्ड फौजी परशुराम की बेटी नेहा की शादी, बेटी की शादी 15 दिसंबर को सुखर निवासी नवी में जॉब कर रहे योगेंद्र को योगी प्रजापति के साथ हुई थी। शादी समारोह में सुमेरपुर के एक गेस्ट हाउस में संपन्न हुआ। इसमें रिटायर्ड फौजी ने बेटी को दहेज में कोई लग्जरी कार नहीं बल्कि बुलडोजर ही दे दिया। 16 दिसंबर को जब बेटी बुलडोजर के साथ विदा हुई तो लोग देखते ही रह गए। परशुराम प्रजापति का कहना है कि बेटी अभी यूपीएससी की तैयारी कर रही है, अगर नौकरी नहीं लगी तो इससे रोजगार मिलेगा सकेगा। वहीं योगी को मिले बुलडोजर की चर्चा लोगों की जुबान पर है। नवी में जॉब कर रहे योगेंद्र उर्फ योगी का कहना है कि वो नौकरी कर रहे हैं, वो किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, घर वालों ने मर्जी से शादी की है, उन्होंने दहेज लेने से मना कर दिया था, शादी किसी भी तरह मांग नहीं थी, लेकिन ससुर साहब ने उन्हें बुलडोजर सरप्राइज दिया है। गांव बोलते कि बुलडोजर से मिलकर रोजगार, शादी में बुलडोजर मिलने की खबर प्रकाशित हुई तो आम लोग इसकी चर्चा होने लगी। योगी के घर लोग बुलडोजर देखने को पहुंच रहे हैं। वह योगेंद्र बताया कि बुलडोजर रोजगार भी मिलेगा और इससे पहले दिन विमान में पाइपलाइन की खुदाई के लिए लगाई गई है। देखिए खास रिपोर्ट। भैया क्या नाम है आपका, किस गांव से हैं? मेरा नाम योगेंद्र कुमार है, सौखर गांव से, हमीरपुर जिला। किस पद पे कार्यरत हैं? मैं भारतीय नौसेना में कार्यरत हूँ। अभी आपकी शादी हुई है जिसमें बुलडोजर मिला हुआ है, क्या कर? उसके कहना के ये है कि गिफ्ट में हमें बुलडोजर दिया गया है, अभी नेमली जेसीबी, अब जेसीबी के नाम से सभी लोग जानते हैं। इसका पर्पज ओनली एक ही है कि रोजगार बनाओ और रोजगार दो, इसी के पर्पज है, जिससे लोग रोजगार मिले और एम्प्लॉयमेंट बढ़े। कि किसी प्रकार की मांग थी या पहले से आपको जानकारी थी? इसकी कोई मांग नहीं थी, ना मुझे कोई जानकारी थी। ये हमारे ससुर जी ने दिया हुआ है गिफ्ट में। तो जब आपको बुलडोजर मिला तो कैसी क्या खुशियां हैं आपके घर परिवार में? घर में सभी लोग खुश हैं क्योंकि रोजगार के साथ साथ एक और इनकम का साधन हो गया, जिससे गाड़ी में काम करने वाले दो बंदों को रोजगार मिला, वो भी खुश है। चल रहा। बैठ लग गई।